अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एंड हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया है कि एयर पोल्यूशन जो है ये कैसे होता है। एयर पोल्यूशन जो है, मैंने आपको ये बोला है, एयर पोल्यूशन जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं उन्हीं की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं, हम अपने गाड़ियों में डीजल यूज करते हैं, हम कोल यूज करते हैं पावर प्लांट्स में ताकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको फॉसिल फ्यूल्स को हमको यूज नहीं करना है, हमको कोल को यूज नहीं करना है, हमें डीजल को यूज नहीं करना है, हमें पेट्रोल को यूज नहीं करना है, तब जाके जो है एयर पोल्यूशन जो है ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमें क्या करना है, वी शुड नॉट यूज फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, जो ही हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करना बंद करेंगे तो एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत हद तक वो कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज नहीं करेंगे तो फिर हम गाड़ियों को चलाने के लिए क्या यूज करना होगा, हमें गाड़ियों के चलाने के लिए हमें सीएनजी यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है, हमें सीएनजी यूज करना है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमें यूज करना है। ठीक है, जब भी हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज करेंगे एज ए फ्यूल इन आवर व्हीकल्स तो एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के जगह पे हमें क्या यूज करना है, सीएनजी को यूज करना है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में जाएंगे वहां पे आपको पेट्रोल पंप स्टेशन नहीं मिलेंगे आपको, वहां पे आपको डीजल स्टेशन आपको नहीं मिलेंगे। ये जो अगर आप दिल्ली में जाएंगे वहां पे आपको सीएनजी स्टेशन मिलते हैं। ठीक है, गाड़ियां वहां पे जाती है और वो जो है ड्राइवर जो है अपने गाड़ियों में क्या यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं। जब भी सीएनजी गाड़ी में यूज होता है तो पोल्यूशन जो है बहुत कम हद तक जो है कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, जब भी हम सीएनजी को यूज करेंगे ना गाड़ियों में, तो सीएनजी को यूज करने के बाद एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमको पेट्रोल डीजल इन्हें हमें यूज नहीं करना है, हमको क्या यूज करना है, हमें सीएनजी यूज करना है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसी तरह हमको घर में जो है हमको लकड़ियां यूज नहीं करनी है। ठीक है, जैसे हम घर में कुछ लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं और खाना पकाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है विंटर में कुछ लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं और घर में जो है उनको फिर मतलब वहां पे लकड़ियों को जलाने के बाद वो हीट जो है उनको हीट वहां पे जनरेट होती है और उस हीट से क्या करते हैं, अपने बॉडी को वो गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें लकड़ियों को नहीं यूज करना है, हमें लकड़ियों को ना खाना पकाने के यूज करना है, ना हमें लकड़ियों को यूज करना है विंटर में। तो हमें क्या यूज करना है, हमें एलपीजी यूज करना है। ठीक है, खाना पकाने में एलपीजी यूज करना है। ठीक है, हीट जनरेट करने के लिए हमें एलपीजी यूज करना है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, फॉसिल फ्यूल्स को नहीं यूज करना है, उसके बदले में हमें सीएनजी यूज करना है। घर में हमें लकड़ियां नहीं जलानी है, हमको उसके बदले में क्या यूज करना है, एलपीजी यूज करना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट काम जो हमें करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें जो काम करना है वो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स को लगाना है और ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को हमें लगाना है। ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाने से और ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को लगाने से क्या होगा कि ये जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा उसका जो उसके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज जो है
वो उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो है उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। इसीलिए जो है आपने देखा भी होगा, बहुत लोग हमें बोलते हैं कि आप प्लांट्स लगाइए, आप ट्रीज लगाइए, ठीक है। और आपने देखा भी होगा जब एनवायरमेंट डे होता है उस डे पे जो है बहुत सारे लोग जो है ये प्लांट्स लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाए, एयर पोल्यूशन कम हो जाए। जो ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा सबस्टेंस ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसी तरह जो हम अपने गाड़ियों में क्या करते हैं यूज़, पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, उस पेट्रोल में डाला होता है लेड, उसमें डाला होता है लेड। लेड क्या है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। जो हम पेट्रोल गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें लेड होता है। क्यों उसमें लेड होता है, क्योंकि जब भी हम पेट्रोल को गाड़ियों में यूज़ करेंगे वहाँ पे वो खटखट आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, नाकिंग साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। उस नाकिंग साउंड को कम करने के लिए हम पेट्रोल में क्या डालते हैं, लेड डालते हैं, ठीक है। तो हमें लेड जो है ना, हमें लेड पेट्रोल में यूज़ नहीं करना है, हमको कुछ और कंपाउंड उसको यूज़ करना है, ताकि ये जो नाकिंग जो होती है पेट्रोल में जो नाकिंग होती है वो उससे कम हो जाए, ठीक है। हमको लेड नाकिंग ख़त्म करने के लिए हमको लेड यूज़ नहीं करना है, हमको अदर कंपाउंड उसको यूज़ करना है, ताकि पेट्रोल में क्या हो जाए, उसमें जो है नाकिंग जो है वो कम हो जाए। अगर हम ये करेंगे तो एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आजकल जो है कुछ गाड़ियों में क्या होता है, एक डिवाइस लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है ये एक डिवाइस होता है, ये डिवाइस जो है बहुत सारी गाड़ियों में आजकल ये लगा होता है। इस डिवाइस को लगाने से क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस जो गाड़ियों से रिलीज होता है ना, ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उन हार्मफुल गैसेस को क्या करता है, उनको ये हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो भी हार्मफुल गैसेस गाड़ियों से रिलीज होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, उन हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करता है हार्मलेस गैसेस में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमें गाड़ियों में क्या करना है, हमें अनलेड पेट्रोल यूज़ करना है। अनलेड पेट्रोल का मतलब क्या है कि हमें पेट्रोल में लेड को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है गाड़ियों में यूज़, हमें कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करना है। उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हार्मफुल गैसेस होंगे गाड़ियों में रिलीज जो होती हैं वो होते हैं कन्वर्ट हार्मलेस गैसेस में, ठीक है। इसी तरह ये जो इंडस्ट्रीज होती है कुछ, वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज से जो हार्मफुल गैसेस जो रिलीज होते हैं ना, वो इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, उन हार्मफुल गैसेस को वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करते हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनको वो वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दोबारा से बताता हूँ मैं, इंडस्ट्रीज में आपको पता है कि वहाँ पे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती है जो हार्मफुल गैसेस को क्या करते हैं, उन्हें डिजॉल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, जिसकी वजह से वो हार्मफुल गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो क्या यूज़ करते हैं, वो करते हैं यूज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है, प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्रिसिपिटेटर्स यूज़ करते हैं। इनसे क्या होता है कि ये जो समोग जो रिलीज होता है ना ये इंडस्ट्रीज से, और ये जो डस्ट पार्टिकल जो ये रिलीज होता है इंडस्ट्रीज से, उनको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर जो है ये उनको एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता है, ठीक है। इसी तरह ये जो SPM जो रिलीज होता है इंडस्ट्रीज में, ये डिवाइस क्या करता है, उस SPM को जो है एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये एयर पोल्यूशन जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे अहम बात जो हमें करनी है, सबसे अहम काम जो हमें करना है, हमको CNG यूज़ करना है, फॉसिल फ्यूल्स को हमको यूज़ नहीं करना है, LPG हमें घर में यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स को लगाना है, और हमको क्या करना है, अनलेड पेट्रोल हमें यूज़ करना है, ठीक है। गाड़ियों में क्या होना चाहिए, ये कैटालिटिक कन्वर्टर होना चाहिए, और कुछ इंडस्ट्रीज़ को क्या यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम ये स्टेटस लेंगे तो एयर पोल्यूशन जो है बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये बताएंगे प्यारे बच्चों कि वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन, अब हम आपको बताएंगे कि वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कम करेंगे, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, देखिए वाटर पोल्यूशन जो है मैंने आपको ये बताया है कि ये जो नालियों में जो गंदा पानी जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसको हम सीवेज बोलते हैं, ठीक है। सीवेज को हमको क्या करना है, जो नालियों में जो गंदा पानी होता है उसको हमें ट्रीट करना है बाय यूजिंग सम केमिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जो सीवेज में जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होंगे, हार्मफुल फंजे जो होंगे, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो उस सीवेज में हैं होंगे वो सब मर जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बहुत हद तक जो है ये वाटर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सीवेज को हमें क्या करना है, इसे हमें ट्रीट करना है बाय यूजिंग सम केमिकल्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, सीवेज को जो ही हम ट्रीट करेंगे बाय यूजिंग सम केमिकल्स, सीवेज में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब मर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है वाटर पोल्यूशन कम करने का। दूसरा तरीका जो है वाटर पोल्यूशन कम करने का वो क्या है, कि इंडस्ट्रीज जो मैंने आपको ये बोला है कि इंडस्ट्रीज जो वहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है, वो इंडस्ट्रीज वो क्या करते हैं, उसको वो वाटर बॉडीज में डालते हैं, वो हार्ड वाटर होता है, वो हार्ड वाटर की वजह से क्या होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स पे बहुत सारा असर पड़ता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज को क्या करना होगा, इंडस्ट्रीज को ये करना होगा कि उसी हार्ड वाटर को जो है ना दोबारा 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 यूज करना होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में जो वाटर रिलीज होता है उसको इंडस्ट्रीज को बहुत बहुत जो है ना उसको बहुत बार यूज करना है, तब जाके उनको क्या करना है, तब जाके वाटर बॉडीज में छोड़ना है, उसकी वजह से जो है बहुत कम वाटर पोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या करना है, रियूज वाटर, ठीक है, रियूज वाटर। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हम पेस्टिसाइड्स जो हम क्रॉप्स पे यूज करते हैं, सब्जी पे जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स को यूज करना है, ठीक है। जैसे नीम के जो लीव्स है उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल एज ए बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। नीम के जो लीव्स होते हैं ना, नीम एक प्लांट है, ठीक है, तो नीम के जो लीव्स होंगे उन्हें हम एज ए पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो पेस्टिसाइड जो है, जो नीम के जो लीव्स होंगे वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। इसी तरह हमको ये जो फर्टिलाइजर जो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स में,
हमें क्या करना है यूज़, हमें मैनुअल यूज़ करना है, घर में जो ये काउडंग जो होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो हमें वो केमिकल्स को हमें यूज़ नहीं करना है एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए ये पेस्टिसाइड्स। हमें घर में जो ये जो काउडंग ये जो काउडंग जो होता है उसको हमें यूज़ करना है एज फर्टिलाइज़र। इसी तरह ये जो नीम के जो लीव्स होते हैं उन्हें हमें यूज़ करना है एज पेस्टिसाइड्स। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और अहम बात, सबसे अहम बात आपको क्या करना है, सबसे अहम चीज़ जो आपको क्या करना है, सबसे अहम काम क्या है कि आपको ज़्यादा पानी आपको यूज़ नहीं करना, उतना ही पानी यूज़ करिए जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, पानी को आप ज़्यादा ज़ाया मत करिए आप। ठीक है, पानी को अगर हम ज़्यादा ज़ाया करेंगे वो गुनाह भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। इसी तरह हमको क्या करना है, इसी तरह हमको क्या करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं। प्लांट्स लगाने की वजह से क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है जब वो बढ़ जाएगा तो ज़्यादा वाटर हमारे लिए अवेलेबल होगा, और हम ग्राउंड वाटर को ही ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो उतना ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, और इसी तरह ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको हमें पहले ट्रीट करना है, उन्हें हमें केमिकल्स लगाने हैं। केमिकल्स लगाने के बाद उन्हें हमें किसी महफूज जगह पे जो है ना उन्हें ज़ाया करना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को। उन्हें जो है पानी में नहीं डालना चाहिए। इसी तरह ये जो हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है, अस्पताल में जो वेस्ट बनता है ना उसको हमें पानी में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और ये जो हम कूड़ा कचरा जो हमारे घर में होता है या जो पॉलिथीन्स होते हैं या उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें हमें पानी में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये इंसान खुद कर सकता है। अगर इंसान ये करेगा तो उसका ये जो प्लेनेट जो है ये वाटर पोल्यूशन से भी महफूज रह सकता है और एयर पोल्यूशन से भी ये महफूज रह सकता है। ठीक है, और आने वाली जो जनरेशन जो होगी उनके लिए ये जो प्लेनेट जो है ये उनके लिए ये प्लेनेट जो है जिंदा रहने के लिए मतलब अच्छा रहेगा फिर। ठीक है, अगर हम ही उनके लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं उनके लिए, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हम मुसीबत खड़ा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ये स्टेप्स लेने होंगे। हम वाटर पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए हमको वो जो हम घर में कूड़ा कचरा जो घर में हमारे बनता है उसको हमको वाटर में नहीं डालना चाहिए। पॉलिथीन जो होगा उसको भी हमें वाटर में नहीं डालना है, और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको भी हमें ये वाटर में नहीं डालना है। हॉस्पिटल में जो वेस्ट बनना है उसको हमें वाटर में नहीं डालना है। ठीक है, सीवेज को हमें पहले ट्रीट करना है बाय यूजिंग सम केमिकल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, सीवेज में जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म्स होंगे वो मर जाएंगे। तो फिर अगर वो सीवेज वैसे जाना नहीं चाहिए, सीवेज फिर अगर पानी में जाएगा तो उतना ज़्यादा वो वाटर पोल्यूशन नहीं करेगा, मगर सीवेज जो है तब भी ये पानी में नहीं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह हमको इंडस्ट्रीज को जो क्या करना है, उन्हें वाटर को दोबारा यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पानी को यूज़ करेंगे और फिर वो ये छोड़ेंगे उसको। ठीक है, उनको क्या करना है, वही पानी जो है बार बार यूज़ करना है। उससे भी क्या होगा, उससे भी कम से कम वाटर पोल्यूशन जो है वो कम होगा। ठीक है, दूसरी बात जो है, हमको वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए इंडस्ट्रीज से जो है उनसे हमें टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर ये जो वाटर पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज ही करती है। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए उनसे हमें टैक्स लेना चाहिए, उस पैसे को हमें खारिज करना चाहिए वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए।
और हमको अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है। हमको स्टूडेंट्स को बोलना है या हमारे घर में मोहल्ले में जो लोग होंगे उन्हें हमें बताना है कि अगर हम वाटर को पोल्यूशन करेंगे, वाटर को अगर हम पोल्यूट करेंगे, इसी तरह अगर हम एयर को पोल्यूट करेंगे तो उसके क्या नुकसान आते हैं, ठीक है। अवेयरनेस से भी वाटर पोल्यूशन कम होगा और एयर पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये जो हमारा जो ये जो चैप्टर जो था वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन, उसको हमने क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा या कोई कन्फ्यूजन होगा या कोई क्वायरी होगी तो बिलाखो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। हम आपके मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। आप अपना ख्याल रखेंगे, दुआ में आप हमें ज़रूर याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।